हेलो एवरीवन, नाउ स्टार्ट। हम लोग अपना चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट कर रहे हैं। जैसा कि पिछली वीडियो में मैंने आपको एक इंट्रोडक्शन वाला पार्ट उसमें किया था, उसमें कुछ पढ़ाया नहीं था। तो फिर कुछ लोगों ने पूछा कि चैप्टर नंबर 2 क्यों स्टार्ट हो रहा है। चैप्टर नंबर 2 इसलिए स्टार्ट हो रहा है, उसका रीज़न है कि आपका जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो मैक्सिमम चीज़ें ऐसे ही, वो आपका चैप्टर नंबर 1 पूरा कैलकुलेशन बेस्ड है और कैलकुलेशन बेस्ड में आपके क्वेश्चन बहुत ज़्यादा हेराइज होंगे। चैप्टर नंबर 2 जो है उससे भी ज़्यादा बेसिक है वो। तो चैप्टर नंबर 2 एक बार हम क्लियर कर लेते हैं, फिर हम लोग कैलकुलेशन की तरफ में चलते हैं, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा बेसिक चलेगा ये हमारा। चैप्टर नंबर 2 आप खुद देखोगे, ये इज द बेसिक नॉलेज ऑफ द केमिस्ट्री है। यहाँ पर कुछ भी नया नहीं है, सिर्फ बेसिक है आपका। कुछ चीज़ें तो आपको क्लास 9 से रिलेटेड है, कुछ हम एक्सपर्ट जो थ्योरीज बताएंगे क्लास 9 से रिलेटेड है। स्टार्ट कर रहे हैं हम चैप्टर नंबर 2। तो चैप्टर नंबर 2 में आप पढ़ोगे क्या क्या चीज़ पहले के लिए? तो आपको यहाँ पर कुछ तो क्लासिकल मैकेनिक्स पढ़नी है और कुछ क्वांटम मैकेनिक्स पढ़नी है। क्वांटम मैकेनिक्स मतलब मॉडर्न मैकेनिक्स में आपको थोड़ा सा बस चीज़ों को इंट्रोड्यूस होना की बच्चे हैं। तो एक एक टॉपिक करके हम लोग स्टार्ट करेंगे। आपका काम यह है कि आप प्रॉपर नोट्स बनाएंगे हर एक चीज़ के। आपको जो मिल रहा है मटेरियल, वीडियो को आप देखिए, और आपको जो आपका मटेरियल आपके पास पहुँच रहा है उनको देखकर आप प्रॉपर नोट्स कंप्लीट करते जाएंगे। मैं टॉपिक टू टॉपिक चलूँगा, आपको टॉपिक टू टॉपिक वीडियोज भी बनाना है, मतलब सॉरी वीडियोज नहीं बनाने, आपको नोट्स बनाने हैं आपको प्रॉपर फेयर वॉक में। तो स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 2 में। चैप्टर नंबर 2 में आपका जो स्टार्टिंग पॉइंट्स है वो आप जब एनसीईआरटी पढ़ो तो आपको समझ आ जाएगा। आपको इंट्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन एंड डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन आपको बताया गया है। दूसरा, जे.जे. थॉम्सन मॉडल क्या था, रदरफोर्ड मॉडल क्या था, बोहर मॉडल क्या था, ये बताया गया है। उसके बाद में आता है मैक्स प्लैंक क्वांटम थ्योरी, ड्यूल नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या था, ये बताया गया है। उसके बाद में ऑफबाउ का मूल रूल से ये सारे मैक्सिमम डिस्कवरी आती है। उसके बाद में थोड़ा सा क्वांटम मैकेनिक्स इंट्रोड्यूस होता है वहाँ से, और उसके बाद आपका क्वांटम नंबर आते हैं और वहाँ से आपका ऑर्बिटल्स के बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन दी जाती है। एक छोटा सा डेरिवेशन है क्वांटम मैकेनिक्स का, तो आपको समझा देंगे, बहुत ज़्यादा कठिन नहीं है। तो लास्ट एंड में जो हमारा जो लास्ट वाला पार्ट होगा वो थोड़ा सा हमारा एडवांस होगा, लेकिन स्टार्टिंग वाला जो आपका होगा वो बहुत ही बेसिक है। तो देखिए कैसे आप लोग स्टार्ट करना है। तो हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर नंबर 2। चैप्टर नंबर 2 क्लास 11 के लिए, ये हमारा नाम है इसका एटॉमिक स्ट्रक्चर। क्योंकि इस लेसन के बिना आप केमिस्ट्री में बहुत सारी चीजें नहीं कर पाओगे, इसीलिए मैंने चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। अब आपको जैसे मालूम है जो हमारा केमिकल की भाषा में कोई भी चीज हो हम लोग कहते हैं मैटर, यानी कि हम लोग का शरीर मैटर है। ये मैटर बहुत सारे मॉलिक्यूल से मिलकर बना हो सकता है, मॉलिक्यूल से बना होता है। जो मॉलिक्यूल है वो एटम से मिलकर बना होता है, और एटम हमारे 3 स्टेबल पार्टिकल से मिलकर बना होता है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इन्हें हम लोग सब एटॉमिक पार्टिकल्स कहते हैं। याद मालूम, आपको यह भी मालूम है अगर स्ट्रक्चर आप बनाओगे तो एटम को लेके ऐसा स्ट्रक्चर होता है, बीच में यहाँ पर न्यूक्लियस बॉन्ड होते हैं जगह पर, और इसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन होता है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन घूमा होता है इस जगह पर, इस डायरेक्शन में होगा इस डायरेक्शन में होगा, न्यूक्लियस भी अपने एक्सिस के चारों तरफ घूम रही होती है। तो इस तरह की चीज़ों को हम लोग एटम डिफाइन कर देते थे वहाँ पर। आपको यहाँ क्या पढ़ना है, आपको पढ़ना है कि एटम आखिर ऐसा स्ट्रक्चर आया कहाँ से, किसने बताया है। तो एटम को तो आज तक किसी ने नहीं देखा है। तो एटम का जो क्वांटम मैकेनिक्स की कुछ थ्योरीज आई थी, कुछ कैलकुलेशन आए थे, उस कैलकुलेशन के बेस पे ऐसे स्ट्रक्चर बन गए थे, ऑर्बिटल के स्ट्रक्चर बने थे। अभी ऑर्बिटल जो बनाएंगे तो फूल पत्ती बनेगी आपकी, आपको लगेगा फूल पत्ती बन रही है, तो ऑर्बिटल्स बन रहे थे। तो इसी चीज़ को हम यहाँ पर इस चैप्टर में एक्सप्लेन करना है कि आपको किस तरीके से कौन सी चीज़ें विद रीज़न आपको यहाँ पर बतानी होगी, किस तरह की चीज़ें आई हैं। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले हम लोग सब एटॉमिक पार्टिकल्स से, एटॉमिक सब क्या लिख दिया मैंने, सब एटॉमिक पार्टिकल, हाँ तो सब एटॉमिक पार्टिकल्स से हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन से स्टार्ट कर रहे हैं, इट्स अ वेरी बेसिक। डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन,
डिस्कवरी ऑफ। अब देखिए डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन का जो देखिए जितने भी चार्ज पार्टिकल हैं उसकी स्टडी फराडे ने करी थी। फराडे आपको मालूम है ये फिजिक्स के लोग हैं सारे, जे जे थॉमसन फिजिसिस्ट है, ये सारे फिजिक्स के लोग थे। फराडे ने जितने भी चार्ज पार्टिकल हैं चार्ज पार्टिकल को स्टडी कर रहे थे। नाम याद रखना इनके चार्ज पार्टिकल स्टडी होने वाली थी। उन्होंने करा क्या, इस स्टडी करने के लिए उन्होंने एक ऑपरेटर बनाया इस तरह का, इसमें दो कैथोड लगा दिए। इस कैथोड को उन्होंने हाई वोल्ट करंट से पास कर दिया। दो पैटर्न के कैथोड रखा है, जो नेगेटिव है उससे उन्होंने कह दिया कैथोड है इसका नाम दे दिया, और जो पॉजिटिव है उसको हम लोग एनोड कहते हैं एनोड नाम दे दिया। इसके बीच में इन्होंने छेद कर दिया, इस छेद के ऊपर में कॉर्क लगा दिया कुछ इस तरीके से, कॉर्क से लगाया ताकि इसके अंदर जो गैस है गैस निकल कर हम लोग बाहर करते हैं और ढक्कन बंद कर दें। जब गैस निकल के बाहर होती है उसको कहते हैं वैक्यूमेटेड वैक्यूम। इसके अंदर बन क्या होगा, तो एक ट्यूब है कांच की ट्यूब है उसको अगर वैक्यूम बना देंगे उसको कहेंगे वैक्यूमेटेड ट्यूब। उसको उन्होंने कहा कि वैक्यूमेटेड ट्यूब उन्होंने लिया और वैक्यूमेटेड ट्यूब के चारों दोनों तरफ में उन्होंने कैथोड एनोड लगा दिए और उसको उन्होंने एक ट्रांसफार्मर से अटैच कर दिया जिसमें हाई वोल्ट करंट सप्लाई होता है। हाई वोल्ट करंट सप्लाई होता है। तो फराडे ने ये एक्सपेरिमेंट किया था, ये स्टडी करी थी। तो इस स्टडी में उन्होंने देखा कि कैथोड से कुछ चीजें निकल रही हैं जो एनोड की तरफ जा रही हैं। इन्होंने यहाँ पर जिंक सल्फाइड की स्क्रीन लगा दी जेलेनस और जेलेनस की स्क्रीन जब लगाई तो जेलेनस स्क्रीन पे जब ये रेल जेलेनस स्क्रीन पे जब पड़ी तो वहाँ पर उन्होंने स्पॉट्स दिखाई देने लगे, छोटे छोटे स्पॉट्स यानी कि वो फ्लोरेसेंस कर रहे थे स्पॉट्स दिखाई देने लगे। तो उन्होंने इसी स्टडी को थोड़ा सा और इवेलुएट करा। इवेलुएट करने पर उन्होंने पता चला कि निगेटिव वाले मेटल से जो चीज़ें निकल रही हैं वो पॉजिटिव की तरफ ले जा रही हैं। तो इसकी प्रॉपर्टी कैसी हुई, निगेटिविटी प्रॉपर्टी हुई यानी कि निगेटिव प्रॉपर्टी हुई, और जो निगेटिव प्रॉपर्टी हुई उसको उन्होंने कहा कि दिस इज द सिमिलर निगेटिव प्रॉपर्टी हुई दिस इज द सिमिलर टू द इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन फर्स्ट है फराडे, ये हमारा फराडे ने सबसे पहले कहा कि निगेटिव प्रॉपर्टी जो दिख रही है वही हमारा क्या है इलेक्ट्रॉन। इस तरीके से इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी हुई थी। इस एक्सपेरिमेंट को और ज़्यादा इवेल्युएट किया गया। इस एक्सपेरिमेंट की इवेल्युएशन कैसे हुआ कि इन्होंने इसी एक्सपेरिमेंट में यहाँ सिंपल एक्सपेरिमेंट बना दे रहा है। इन्होंने कहा कि यहाँ पर इलेक्ट्रिक प्लेट की पैटर्न जो है सॉरी यहाँ पर इन्होंने मैग्नेटिक प्लेट डाल दी, इस जगह पर मैग्नेटिक प्लेट डाल दी, एक मैग्नेट प्लस का था और एक मैग्नेट माइनस का। जब इन्होंने फराडे ने ऐसे एक्सपेरिमेंट की स्टडी करी तो उनको लगा कि जो माइनस से चीज़ें निकल रही हैं वो पॉजिटिव तरफ अटैक हो रही हैं, लेकिन कुछ नहीं हो रहा था इस बात को। जब उन्होंने ऊपर नीचे मैग्नेटिक फील्ड लगा दी, ये मैग्नेटिक फील्ड जब यहाँ पर लगाई तो ये सारा का सारा पॉजिटिव तरफ में अट्रैक्ट होने लगा। इस बात से ये प्रूफ हुआ कि ये वाकई निगेटिव प्रॉपर्टीज हैं, इन कैथोड को निगेटिव प्रॉपर्टीज रखी गई हैं। नेगेटिव प्रॉपर्टीज अगर इनके पास में है दिस इज द सिमिलर प्रॉपर्टी ऑफ द इलेक्ट्रॉन। तो एक इलेक्ट्रॉन की नेगेटिव प्रॉपर्टी को निकल कहां से रही थी, कैथोड से निकल रही थी, इस वजह से उन्होंने कहा कि ये कैथोड रेज है और कैथोड जो रेज है वो किससे सिमिलर है, वो इलेक्ट्रॉन किससे सिमिलर है, यानी कि उनको कहा कि जो कैथोड रेज जो चल रही है ये बहुत सारे छोटे छोटे इलेक्ट्रॉन से मिलकर बनी हुई है। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की सबसे पहले इस तरीके से स्टडी यहाँ पे एक बताएगा। फिर थोड़ा सा और समय बीता, एक ब्रिटिश के थे जे जे थॉमसन ने किया क्या, इसी में थोड़ा सा कैलकुलेशन ने किया है। उन्होंने इसी एक्सपेरिमेंट में कहा क्या कि उन्होंने देखा कि इस एक्सपेरिमेंट में
ई बाई एम की वैल्यू उन्होंने कैलकुलेट करी। अब देखिए कुछ प्रॉपर्टीज आप देखिए, यहाँ पर प्रॉपर्टीज आपसे पूछी जाती है कभी कभी, बहुत ही कंडीशन रेयर कंडीशन है क्योंकि इसमें आप बहुत ज़्यादा एडवांस भी पढ़ोगे, तो आपसे पूछ लेता है व्हाट इज द प्रॉपर्टी क्वेश्चन है यहाँ पर, व्हाट इज द प्रॉपर्टी ऑफ कैथोड रेज, कैथोड रेज आप क्या लिखोगे ये क्वेश्चन है अगर, तो आप लिखोगे पहला कैथोड रेज कहाँ से निकलती है, कैथोड रेज आर इमिटेड बाय कैथोड प्लेट, कैथोड प्लेट। दूसरा पॉइंट क्या है, कैथोड रेज आर मेड अप ऑफ ताए से मिलकर बनी हुई है, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन से मिलकर बनी है। तीसरा पॉइंट क्या लिखोगे, तीसरा पॉइंट देखिए बहुत सारे एक्सपेरिमेंट हुए इस पे, और क्या लिखे कैथोड रेज को जब कोई ऐसी मेटल हो, ऐसा मेटल ले लो आप जिसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई हो, जैसे टंगस्टन, टंगस्टन टंगस्टन ले लो आप। अब टंगस्टन पे अगर आप कैथोड रेज डालोगे, ये आपकी कैथोड रेज है, ये जस्ट लाइक जैसे आप लोग घर में टीवी देखते हो, टीवी में कैथोड रेज का यूज होता है, तो कैथोड रेज को जब मेटल किस मेटल की प्लेट पे डालोगे, सपोज दैट ये कैथोड इधर से निकला तो ये हटा दिया मैंने, ये सीधा सीधा चलने लग जाएंगे, अब सीधा चल रही तो हमने यहाँ पर क्या डाल दिया मेटल की प्लेट लगा दी यहाँ पर जगह पे, तो जब मेटल की प्लेट को स्ट्राइक करती है तो वो एक नई तरह की रेज प्रोड्यूस करती है, उन्हें को कहते हैं हम लोग एक्स रेज। इसका पॉइंट क्या हो गया, कैथोड रेज प्रोड्यूस प्रोड्यूस एक्स रेज व्हेन, कब व्हेन स्ट्राइक ऑन हाई मेल्टिंग पॉइंट मेटल प्लेट प्लेट। फोर्थ क्या है, अभी अभी देखा आपने की प्रॉपर्टी में, अगर हम इसके ऊपर नीचे मैग्नेटिक फील्ड लगा दें, मैग्नेटिक फील्ड लगा दें, तो मैग्नेटिक फील्ड अच्छा एक से तो एक को समझ लो पहले, एक उसको रुक जाओ। एक्स रेज को यूज क्या करते हैं हम लोग, एक्स रेज का यूज करते हैं कि हम लोग अपना हड्डी वड्डी का बोन को स्कैन करने के लिए, तो बीच में ऐसे हम हाथ रखते हैं, इस एक्स रेज के ऊपर पड़ती है, नीचे में फोटोग्राफिक प्लेट होती है जिसे हम लोग एक्स रेज भी कहते हैं, फोटोग्राफिक प्लेट, और फोटोग्राफिक प्लेट को क्या करती है, जहाँ पर मेरे हम लोग का हाथ होता है, सपोज एक्स रेज आ रही है यहाँ पर, जहाँ पर हाथ रखा हो उसके जस्ट पीछे कोई कलर नहीं आता, लेकिन जहाँ जहाँ पर एक्स रेज निकलती है वहाँ वहाँ पर वो सब क्या होता है, ब्लैक हो जाता है। तो यहाँ पर एक नया पॉइंट क्या हो जाएगा, दे इफेक्ट ऑन फोटोग्राफिक प्लेट, फोटोग्राफिक प्लेट के लिए क्या कर देती है, काला कर देती है फोटोग्राफिक प्लेट। क्लियर हो गई, और पॉइंट देखिए इसके पांच पॉइंट को हमने लिखने लिखे हैं यहाँ पर, लिखे रखिएगा। लास्ट पॉइंट क्या है कि अगर हम मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर दें या इलेक्ट्रिक फील्ड एक और अप्लाई कर दें इसके चारों तरफ में, तो क्या होगा आपका, ये सारा का सारा हमारा अट्रैक्ट हो जाएगा पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ में। तो फिर पॉइंट क्या हो गया, दीज रेज अट्रैक्टेड टूवर्ड्स पॉजिटिव प्लेट, तब इन ए केस ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड या इलेक्ट्रिक फील्ड जो भी हो, मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक जो भी आप, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लगा मैग्नेटिक फील्ड लगा दोनों के तरफ में क्या होगा, ये पॉजिटिव की तरफ में अटैक होगा। ये बात आपको मालूम होनी चाहिए, हर किसी को मालूम होनी चाहिए कि दो अपोजिट चार्ज ऑलवेज अट्रैक्ट टू ईच अदर, दो सेम चार्ज ऑलवेज रिपल टू ईच अदर, ऑलवेज रिपल टू ईच अदर, ये इतनी बात याद होनी चाहिए तभी आप टॉपिक को। तो जितने भी नेगेटिव भी देखो अपोजिट चार्ज है, ये इलेक्ट्रॉन ये माइनस की बनी हो, ये प्लस की तरफ अट्रैक्ट होगा, इस तरीके से आप इनकी प्रॉपर्टीज को लिखोगे। अब नए साइंटिस्ट आए, उनका नाम है जे जे थॉमसन ने क्या किया, उन्होंने E by M की वैल्यू दी। E क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, चार्ज कह दो अभी,
m क्या है यहाँ पर, मास है हमारा, तो e by m की वैल्यू है, e by m की वैल्यू कितनी आएगी 1.7 into 10 to the power 11 कूलम किलोग्राम माइनस 1 पर किलोग्राम होता है। इतना उन्होंने कैलकुलेट किया और कैलकुलेट करने के बाद में कैथोड रे की प्रॉपर्टीज के बारे में उन्होंने बताया कि ये कितना चार्ज होता है हम लोग। तो उन्होंने कैथोड रे की जे जे फंक्शन ने क्या दिया हमारे उनको, जे जे फंक्शन ने कहा E by M की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है 1.7 into 10 to the power 11 किलोग्राम पर सॉरी कूलम पर किलोग्राम कितनी होती है। फिर एक नए लोग आए, उनका नाम है रॉबर्ट मिलिकन ने क्या किया, रॉबर्ट मिलिकन ने कहा कि एक इलेक्ट्रॉन में चार्ज कितना होता है वो दिया उन्होंने, यानी कि जो चार्ज है वो बताया। तो चार्ज कितना होता है एक इलेक्ट्रॉन पे, माइनस का 1.6 into 10 to the power -19 कूलम, इतना उन्होंने चार्ज बताया। इन्होंने कैसे किया, एक कॉइल ड्रॉप मेथड था, कॉइल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट उन्होंने किया, आप एक्सपेरिमेंट पढ़ सकते हो एनसीईआरटी में अवेलेबल है कॉइल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट का। उससे उन्होंने उसका एक्सपेरिमेंट करके पता लगाया कि एक इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है वो इतना होता है माइनस का 1.6 into 10 to the power -19 कूलम। तो कितना चार्ज हो गया, रॉबर्ट मिलिकन ने क्या दे दिया इसमें इलेक्ट्रॉन का, एक इलेक्ट्रॉनिक चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना बताया उन्होंने, माइनस का 1.6 into 10 to the power -19 कूलम बताया। क्लियर होगी बात। अब जेजे थॉमसन ने इसका मास भी बताया, ई बाय एम की वैल्यू निकल आई आपकी, ई बाय एम की वैल्यू आपको चार्ज भी पता चल गया इसका चार्ज कितना होता है। अब चार्ज के बाद में मास कितना होगा, मास भी पता लग गया। मास कैसे निकालोगे आप, मास के निकालने के लिए फॉर्मूला लगाओगे m is equal e अपान का e by m, वेयर e क्या है यहाँ पर, e यहाँ पर चार्ज है, चार्ज। तो e by m की वैल्यू आप यहाँ कर दो टोटल, तो कितना हो जाएगा हमारा e by m, e की वैल्यू कितनी है 1.6 into 10 to the power minus का 19 गुणा अपान का 1.7 into 10 to the power 11 गुणा किलोग्राम पर किलोग्राम, केजी माइनस वन लिख सकते हैं, कोई दिक्कत तो है नहीं। अब देख लो, सपोज दैट हमारे पास में अगर ए अपान का बी लिखा हुआ है, अगर यूनिट को ऊपर लेके जाना है तो बी ऊपर अगर लेके जाना है तो माइनस वन लिख देते हैं हमेशा, क्लियर। और अगर ए अपान का बी माइनस वन लिखा हुआ है और बी को ऊपर लेके जाना है तो यहाँ पर लिख लेंगे ए बी, ऊपर जाएगा तो अपोजिट चार्ज। तो यहाँ पर देखो, अगर सी अपान का केजी का है यहाँ पर सी पर किलोग्राम, तो किलोग्राम ऊपर जाएगा तो केजी माइनस वन हो जाएगा, कूलम ये और ये कैंसिल हो जाएंगे, इनको थोड़ा सा रखा है। अब देखो यहाँ पर कितना है, अब यहाँ पर फिर से देखिए, तो अपना कैलकुलेटर चालू करो तुम भी अपना देख लो। कितना है 1.6 divided by 1.7, आंसर आएगा 0.9 हमारा आंसर आ रहा है, जो इसका आंसर आ रहा है वो आंसर है 0.9 into 10 to the power -30 केजी, क्योंकि गुलाम तो कट ही गया था, केजी ऊपर आएगा तो प्लस का बन जाएगा, देखो तो माइनस का 30, तो इसको वैल्यू को थोड़ा सा और सही करो, 9.0 ये सब 9 में आपको पढ़ा है, 9.0 into 10 to the power -30 केजी, आपका आंसर कितना आया, मास कितना होता है हमारा 9.9 into 10 to the power 31 हो जाएगा ना ये, अगर पॉइंट ये पॉइंट है 9 को उधर ले जाओगे तो इधर वैल्यू बढ़ जाएगी, तो माइनस का 31 और
हमारा मास कितना हुआ, मास हो गया हमारा 9 × 10⁻³ किलोग्राम। तो आपको सारी चीजें मालूम होगी टी बाई एम की वैल्यू, वो कैथोड, ये सारी कैथोड की डिस्कवरी हुई थी। इसी तरीके से एनोड की हुई और फिर न्यूट्रॉन की हुई। तो हर एक चीज को एक्सप्लेन नहीं करेंगे, सिर्फ एक को एक्सप्लेन किया, बाकी सारी चीजें आप समझ लोगे। अब जब स्टडी हुई तो स्टडी पर ये पता चला कि जो ई बाई एम की मेन हमारा ई बाई एम की वैल्यू है, यहाँ पर कैथोड के लिए ई बाई एम की वैल्यू ऑलवेज इज द कांस्टेंट इन नेचर इन एवरी मेटल, जितने भी मेटल्स हैं सब में ई बाई एम की वैल्यू सेम आती है। क्लियर। अब देखो एनोड कैसे, यानी कि प्रोटॉन की डिस्कवरी कैसे, ये तो आपको क्लियर हो गया। अब प्रोटॉन की डिस्कवरी देखिए कैसे होती है। सेम एक्सपेरिमेंट जैसा फैराडे ने किया था, सेम ही एक्सपेरिमेंट हुआ था, सेम ऑपरेटर था, सेम रोज थे, सेम हाई वोल्ट था, सब कुछ सेम था। यहाँ निगेटिव था, यहाँ पॉजिटिव था, इधर से चीजें इधर आ रही थी तो इधर से चीजें इधर जा रही थी। जो रेस माइनस की तरफ से निकल रहे थे उनको उन्होंने कहा था कैथोड रेस, और जो प्लस की हमारा एनोड है, और जो प्लस की तरफ से निकल रहा था उनको उन्होंने कहा एनोड रेस, और इसके बाद में नाम पड़ा कैनाल रेस। बाकी सब कुछ सेम था, ऐसे चलिए इस तरह से डिस्कवरी की थी। और ये भी इधर में जाती थी, जब इधर में जाती थी तो यहाँ पर जिंक सल्फाइड की स्क्रीन लगा दी गई थी। ये गोल्डस्टीन ने एक्सपेरिमेंट किया था, ये नाम शायद एनसीईआरटी में गोल्डस्टीन का एक्सपेरिमेंट है। तो यहाँ पर उन्होंने जिंक सल्फाइड की स्क्रीन लगा दी थी, जिंक सल्फाइड की स्क्रीन में उन्होंने पॉइंट्स मिलने लगे थे, यानी कि फ्लोरेसेंस होने लगा था। आप टीवी वाला पुरानी टीवी जो ब्लैक एंड व्हाइट टीवी है उसका एग्जाम्पल है, वो बेस्ट एग्जाम्पल है इधर। तो वहाँ पर ये फ्लोरेसेंस होने लगे थे, तो प्रोसेस किया उन्होंने, इसकी डिस्कवरी करी तो पता चला कि ये सारी पॉजिटिव की बनी हुई है, उन्होंने उसका नाम दे दिया कैनाल रेस, कैनाल रेस की प्रॉपर्टी प्रोटॉन से मैच करते रहे। अब फिर से वही बात आई, सारी वैल्यू इसकी भी भाई ई बाई एम की वैल्यू कैलकुलेट करो, इसका चार्ज कितना है वो कैलकुलेट करो, इसका मास कितना है वो कैलकुलेट करो। तो पता ये चला कि क्योंकि देखो इसका क्या है, इसमें एक आपको रटना है वैल्यू, सारी रटनी है। ई बाई एम की वैल्यू आपने रट ली 1.7 × 10⁻³ कोई रेस प्रोड्यूस कर रहा है, सॉरी कैथोड प्लेट अगर कोई रेस प्रोड्यूस कर रहा है, वो डिपेंड नहीं करेगा कौन सा मेटल है, सिल्वर कॉपर गोल्ड कुछ भी हो, सब में ई बाई एम की वैल्यू कांस्टेंट रहेगी। क्लियर। अगर ई बाई एम की वैल्यू कांस्टेंट है, चार्ज कांस्टेंट है, तो मास क्या होगा, कांस्टेंट रहेगा। तो एक ही तरीका बचा, रट डालो। बट कैथोड रेस में ई बाई एम की वैल्यू कांस्टेंट नहीं होती है, दिस इज डिपेंड अपॉन द मेटल, मेटल हम कौन सा यूज कर रहे हैं। और जब ई बाई एम की वैल्यू कांस्टेंट नहीं तो फिर मास भी इसका कांस्टेंट नहीं आएगा, लेकिन फिर भी ओवरऑल कुछ ना कुछ मास होता है वो एक कांस्टेंट बता दिया जाता है रखने के लिए। बट चार्ज जो होता है वो फिक्स होता है, और चार्ज को हम लोग डिनोट करते हैं प्लस का 1.6 × 10⁻⁹ क्लियर। ई बाई एम की वैल्यू के लिए यहाँ ई बाई एम की वैल्यू है कुछ ना कुछ, और मास भी है कुछ ना कुछ, लिस्ट बनी हुई है, बट ई बाई एम की वैल्यू वेरी विद रिस्पेक्ट टू मेटल, यहाँ पर ये कांस्टेंट नहीं होता है, ये इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्लियर हो गया आपको। एक ओवरऑल हम देख लेते हैं क्या क्या हम लोगों ने देखा। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, अब न्यूट्रॉन के साथ में लेके चले चलते हैं ना, ये हमारे क्या हैं, सारे पार्टिकल्स हैं। सिंबल क्या है इनके, ई पी एन, ये सिंबल है। कहीं कहीं पर ई माइनस पी प्लस एन नॉट भी लिखा जाता है, एज यू विश, जैसा आपकी इच्छा हो, अपनी अपनी श्रद्धा के अनुसार यहाँ पर लिखना। सैंपल के बाद में आता है ई बाई एम की वैल्यू क्या आएगी,
तो इसके लिए ई बाई की वैल्यू वही हुई है कि 1.7 इंटू 10 टू द पावर माइनस कितना था, एक मिनट, हाँ 1.7 इंटू पावर 11, हाँ 11 कूलाम पर किलोग्राम, ये थी प्रमाण की गति थी। नहीं लिखते हैं क्योंकि कांस्टेंट नहीं है, प्रोटॉन की कांस्टेंट नहीं होगी तो फायदा क्या है, सीधा हम चार्ज पे आते हैं हम लोग, ठीक है, चार्ज चार्ज कितना है, माइनस का 1.6 इनटू 10 टू द पावर माइनस का 90 कूलम, प्रोटॉन के लिए क्या होता है, प्लस का 1.6 इनटू 10 टू द पावर माइनस का 90 कूलम, इसके बाद नहीं है कुछ। एब्सोल्यूट चार्ज कितना होता है, एब्सोल्यूट चार्ज क्या होता है, माइनस का 1 इसको होता है, क्लियर। अब मास लिख लीजिए आप, मास यहाँ पर क्या होता है, मास पर किलोग्राम हम लिख रहे हैं यहाँ पर, पहला तो आगे ऊपर वाला तो आया था 9 × 10 की पावर माइनस का 41 किलोग्राम, ये आपका ही क्लियर मास, ठीक। प्रोटॉन के लिए लिखो आप 1.67 इंटू 10 टू दी पावर माइनस का 27 किलोग्राम, और न्यूट्रॉन पर लिख लीजिए आप 1.67 इंटू 10 टू दी पावर माइनस का 27 सेम ही होगा, वैसे वैल्यू थोड़ी सी डिफरेंट है पर कितना ही लोग करने में आसान, ये करते हो तो दूसरा अपने आप हो जाएगा, क्लियर, ठीक है। मास ही यू तो यहाँ पर जीरो होता है और प्रोटॉन के लिए हमारा होता है प्लस का ये वन होता है, इसका भी वन होता है, यानी कि इलेक्ट्रॉन को जो उधर टोटल मास है वो हमारा क्या होता है, एक्चुअली पांच सेवन कहते हैं जीरो, ये बात क्लियर होगी, आप राइट डाउन करो उसको। हम लोग फिर कंटिन्यू करेंगे, ये हो गया आपका, तो अब हम लोग कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट वीडियो में कि जो मॉडल्स हैं एटॉमिक मॉडल्स जो आए हैं वो हमारे तीन मॉडल्स हैं हमारे सिलेबस में, थॉमसन मॉडल बहुत छोटा सा सिंपल है फिर हो गया तुरंत, बोहर मॉडल सॉरी रदरफोर्ड मॉडल फिर बोहर मॉडल, तो तीन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।